हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उस घटना के बाद जामिया का जो परिवेश है जो इस यूनिवर्सिटी का माहौल है क्या वो बदला है और बदला है तो किस तरीके से बदला है 15 दिसंबर 2019 की घटना को आप आज सोचते हैं तो आप उसको कैसे याद करते हैं तो वो मंजर तो लगभग कोई भूल नहीं सकता लाइब्रेरी में जो तोड़फोड़ हुई थी उसका अलग है चार नंबर गेट के अंदर जाके लोगों को जैसे मारा गया किसी को देख ही नहीं रहे हैं भाई कोई उधर से अंदर से हॉस्टल से आ रहा है उसे भी धड़ाधड़ पीटना स्टार्ट कर दे रहे हैं कोई गलती नहीं है वो उसका उस भीड़ का पार्ट रहा ही नहीं है हालांकि जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वे में हमारा जो प्रोटेस्ट था वो तो सही चल ही रहा था अब उनका कहना है कि हमारी तरफ से पथराव हुआ इस वजह से हमने ढक किया पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप बिना परमिशन के घुस के घुसे कैसे कैसे तोड़फोड़ फोड़ वहाँ जा लाइब्रेरी में किसने परमिशन दिया आपको तोड़ने का और हमारे यहाँ से वी ने भी कोई इसके अंगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया बाद में उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि पुलिस कैसे आपके बिना परमिशन के घुस आई तो उन्होंने ताल मटोल करके चीज़ों को रफा दफ़ा ऐसे कर दिया तो उस टाइम पे जब 15 तारीख का दिन होता है तो शाम तक ऐसे ही माहौल रहता है नॉर्मल फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे होते हैं कर ही रहे होते मतलब तीन चार बजे के बाद से एकदम सडनली क्या होता है ना कि पुलिस थोड़ा सा वो हो जाती है लाइक कि वो लोग भी थोड़ा ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों से पहले शुरू होती है कि प्रोटेस्ट जो बाहर रहे वो स्टूडेंट्स भी होते हैं और लोकल लोग भी होते हैं जो कि लाइक अपने थ्रटन फील कर रहे हैं आइडेंटिटी को लेकर तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि ये लोग पुलिस के साथ भिड़ते हैं फिर थोड़ी बहुत टूड़ फोड़ होती है बसों पर ये बंद हो गया होता है इधर से ये रोड बंद कर देते हैं जो सुखदेव विहार से जाने वाली है या जुले से आने के सारे रूट्स इधर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपको अगर आना होता है तो आपको पीछे से जाकिर नगर होते हुए तैमूर नगर होते हुए आना पड़ता था तो हम लोग यहीं पर रहते हैं यहीं पर बैठे हुए होते हैं और उसके बाद से सडनली मतलब थोड़े टाइम शाम उम होते ही बच्चों का और इस पुलिस का थोड़ा बहुत झड़प होता है और पुलिस काफ़ी वायलेंट हो जाती है सडनली काफ़ी वायलेंट हो जाती है वो लोग काफ़ी मतलब लाइक के डंडे उंडे इस्तेमाल करने लगते हैं बच्चों को और उसके बाद से वो लोग काफ़ी प्रिपेयर रहते हैं गाड़ियों में पहले से एंटी राइड व्हीकल्स रहते हैं उनसे निकालते हैं टीयर गैस और वो शुरू करते हैं शेलिंग करना और इस रोड पे सबसे पहले थोड़ा बहुत शेलिंग करते हैं जो लोग खड़े होते हैं उसके बाद से क्या होता है कि लोग डिस्पर्स होने के लिए जामिया के अंदर घुसते हैं लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सारे स्टूडेंट्स ही बेसिकली रहते हैं उस टाइम तक बहुत स... कम ही लोग बाहर के रहते हैं तो ये लोग डिस्पर्स होने के लिए स्टूडेंट्स अंदर घुसते हैं ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को गेट से फायर करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद से ये जब शुरू होता है सभी अपनी जान के लिए भागते हैं उसके बाद से मैं भाग के जब पीछे निकलता हूँ लाइब्रेरी के पीछे से हम कूद जाते हैं हम लोग मैं लाइब्रेरी के पीछे से कूद के उस साइड जाके खड़ा हो जाता हूँ फिर पता चलता है बाकी लोग भाग के आ रहे हैं निकल रहे हैं और उसके बाद से हम फिर एक बार जब ये थोड़ा माहौल शांत होता है तो देखने आते हैं कि क्या हो रहा है क्योंकि फायरिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि आप कब चोट लग जाएगी और क्या हो जाएगा तो जो बच गए थे वो तो निकल गए और जो रह गए उनको उनको काफ़ी दिक्कत है लाइक लिटरली मैं मतलब लाइक उस दिन को क्या ही इमेजिन करूँगा मैं उससे पहले भी जामिया रहता था और लाइक बचपन में एक बार और स्कूल में भी एंट्रेंस देना आया था तो लाइक सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्शन था इस यूनिवर्सिटी से उसके बाद से यूनिवर्सिटी काफ़ी चेंज हो चुकी है आई स्टिल रिमेंबर द हॉर दैट डे थर्टींथ दिसंबर स्पेशली बिकॉज माई हैंड वॉज फ्रैक्चर दैट डे बाई चार्ज ऑफ डेली पुलिस एंड आई वॉज थिंकिंग दैट वाई पोलिस बिकॉज देर वॉज दिस नोशन दैट इट इज़ गेटिंग बिगर एंटी टी सी ए मूवमेंट इज गेटिंग बिगर एंड इट इज़ Gaining attention all over the world, especially students from Jamia um, was, you know, taking this movement had in a way, setting their narrative. So from the very beginning, police wanted or the state wanted to give a trauma. But still, <laughs> we we realized that we are not going to be afraid of anything because all the time. When we were discussing about anti ca movement, how do we need to take it as ahead? Then we discussed about the legacy of Jamia. Jamia was established by the independence movement as part of Sadeshi movement. So the founders of Jamia had a legacy, and the history of Jamia has a beautiful, uh, you know, tradition of pluralism uh, and the national integration. That spirit. So why do we? बिकम अफ्रेड ऑफ it comes to tyranny इट कम्स टू know ऑफ upon students स्टूडेंट्स एंड आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसका बिहेवियर छात्रों के प्रति कैसे बदला है एंड वी थिंकिंग दैट व्हेन वी कम टू कैंपस, व्हेन कैंपस विल रीओपन ना देन वी विल कम एंड टेक इट दैट स्ट्रगल विल बी कैरीड आउट टुगेदर बट वी स्टार्टड एक्सपीरियंसिंग सम्स वीट वीवर सो बिफोरिस्ट्रेशन टू एंड ऑफ स्टूडेंट्स इन साइड दस कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंटरनली अगर मैं उसे इस पर बात करना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ ठीक है अगर शांत कोई माहौल है तो इसके पीछे दर्द भी हो सकते हैं उसके पीछे कूढ़न भी है कूढ़न हमारे मायने में ये है कि आज हमें अपने साथ किए गए अन्याय के बारे में बोलने की आज़ादी जो मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है तो और गुस्सा इस बात का भी है कि जो कुछ को, कोई बोल रहा है उसके खिलाफ जो है एक्शन ले लिया जा रहा है तो उसके इस संदर्भ में जो डेमोक्रेटिक वे है प्रोटेस्ट का उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो अंगेंस्ट में चीज़ें रही हैं पॉलिसीज जो हैं या जिस तरह से डिसेंट को दबाया जाता है ये सारा काम इस टेनोर में किया जा रहा है और अब कोई ओपनली सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा तो ये माहौल थोड़ा डाउन हुआ है मुझे नहीं डर है मुझे इसलिए नहीं डर है क्योंकि मुझे पता है कि आ, मैं अगर अपनी आवाज़ एक स्टूडेंट होने की वजह से यहाँ नहीं उठा सकता तो मैं बाहर किसी भी सोशल डिस्कोर्स में मैं कैसे बात कर सकता हूँ एज ए पी स्कॉलर क्या मैं सोशल चेंज ला सकता हूँ उसके बाद फाइनली जब जामिया खुली और मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया और मैं इस साल जब आई तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक यूनिवर्सिटी जैसे ऑपरेट होनी चाहिए उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है कंटिन्यूसली बाहर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है अंदर uh, कोई कल्चरल प्रोग्राम अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं किसी भी स्टूडेंट को परमिशन नहीं मिल रही है या किसी भी कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी क्लब uh, है या कुछ है तो अगर कोई भी कल्चरल चीज़ करना चाहते हैं उसकी परमिशन नहीं है क्योंकि एक तरीका है कि आपको प्रोक्टर के थ्रू जाना होता है एंड uh, अगर स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं तो उनको फिर परमिशन डिनाई हो जाती है आई हैव बिन दैट देर इज एन एक्ट Uh, effort from the administration to curb whatever kind of uh, political or cultural activities uh, inside the campus. So when we came to the campus, uh, it was immediately after the online session. So students were largely, you know, very kind of silent. So it was not the kind of scenario that we saw during the CANRC, Like every this campus was very vibrant. It was very vocal about the issues that were happening all over Delhi. But then immediately. Immediately during the time I came, I saw that even students were not that active. And then, when we tried to become active, when we tried to start pointing out the problems that we face inside the campus, we acted Faced all these uh, oppressive measures from the administration. So, there were notices released stating that there cannot be any political gatherings inside the campus, no cultural activities can be done, and if something has to be done, it should be taken like prior permission. Like, even for small study circles or cultural activities inside the campus, we have to take permission from the proctor. And if we go and take permission, actually, we are not granted permission. So there were like events, like uh, which was conducted by Malayali fraternity and all, which was which used to happen all these years till 2019. It used to happen, and suddenly it was all denied permission from the uh, proctor and the higher administration. They started erasing all the graffitis, demolishing all the tents, open libraries, and all each and every symbol of that struggle has been erased, removed from the campus. So from there they gained. एक चीज ये भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं बात करने से थोड़ा कतरा भी रहे हैं क्योंकि उनको ये भी डर है कि किसी को इंटरव्यू देना है आगे जाकर कहीं उनका जो डिग्री ना रोक दी जाए प्रशासन के द्वारा तो ये भी चीज़ कह रहे हैं कि पता हमको सब है हम वहाँ मौजूद भी थे लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे कैमरे पे दो की इन घटनाओं के बाद से अब तक कॉलेज में कैम्पस में क्या परिवर्तन आए हैं बट उसके बाद से जामिया मतलब ये हो जाता है कि यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना है हम आपको जो कर रहे हैं काफ़ी अथॉरिटेटिव हो चुकी है जामिया पहले के मुकाबले अब वी आर अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस लाइक वन एवर वी ऑर्गेनाइज एनी प्रोग्राम लाइक एनी प्रोटेस्ट कॉल एनी स्टडी सर्कल एनी कल्चरल एक्टिविटी द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट इज अ कॉल फ्रॉम द प्रॉक्टर ऑफिस आस्किंग वॉट इज एपनिंग यू कान डू इट यू हैव टू कैंसिल द इवेंट देन वी स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम इवन द पुलिस डिपार्टमेंट लाइक If you see if, if there is something happening inside the campus, you can see heavy police deployment outside the Jamia gates. So it, it has created a very scary environment for the students. Like we know what happened during C N R C, how the police broke inside the campus and how there was a brutal attack inside the campus. So now there is heavy police deployment outside the campus, and students do not feel safe inside. So many students are afraid to come out and speak or something because they are scared of the repercussions. We get shockers notices all the time. so we uh, organized a few cultural activities and all the main people who were involved immediately got shokos notices uh, for and if we are not given any response to that we'll be suspended. that was what was written in the shokos notice. so all these kinds of uh, regressive measures are being taken by the administration against the students so that nobody is vocal about whatever is happening inside the campus. whenever you go and talk to, talk to people, whether it is about I mean, I was suspended for 10 days from campus, only because I, I was celebrating Independence Day without permission. I mean, permission was uh, rejected. Uh, I mean, the application for permission was rejected. I was uh, shouted at. And you know, then I gave a speech in central Canton area, and I was picked by security guards. My ID card were confiscated, and I was suspended for 10 days and all the allegations against me written in a cause notice was baseless, factually incorrect. so whatever it is, people are being targeted. and certain people from certain political background, i mean, uh, i can explicitly say that from the ruling class, ruling party, they will be given chances to do whatever they can do here. if we celebrate diwali in the name that ekta Diya, i mean, the pluralistic way, all people from all uh, sectors are coming together. Then it is a big problem to be given show notices. But when it it is been done by you know uh, this Rashtriya Kalamanj or something like that of Sangh Parivar, then no problem. So that discrimination is happening in the campus. You know they are asking us to study in the classrooms, just uh, reading text, writing exams, and get over with this. But, we are asking them a question, if the founders of Jamia Milia were thinking the same, I mean, you just come here, study, write exams, get degree, go, don't look around you, don't be active in any of the social issues, then Jamia wouldn't have survived this century.